करता रहता हूँ। जब भी मुझे मौका प्राप्त होता है तो मैं अपने इन अपने बायोस्फीयर के जो साथी हैं इनके बीच में आता हूँ, और निश्चित तौर पे जैसे हमारा कर्तव्य अन्य मनुष्यों के प्रति है, उसी तरह से इन प्राणियों के प्रति भी है। और शासन का भी ये दायित्व है कि तो हम लोग सभी शासन के पार्ट हैं। तो लगता है कि जैसे गर्मी बहुत है इस समय, तो अभी कभी तो फ्रूट्स और चना या जो भी ऐसे सब्जियाँ जो इनको पसंद है उनको लेके मैं इनके बीच में आता हूँ। और अच्छा लगता है कि मैंने अपने इन बेजुबान साथियों के प्रति कुछ मैंने काम किया है और इनकी सेवा मैंने किया है, क्योंकि ये अपनी वाणी में तो हम लोग उनकी वाणी समझ नहीं पाते, लेकिन भूख प्यास तो सभी को लगती है। और मेरा आप सबके ANI के माध्यम से ही कहना है कि निश्चित तौर पर हम सभी को इनके प्रति कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट अवश्य करना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, आप कभी भी ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, आप इनके बीच में हैं, ऐसे वन्य प्राणी हैं, लेकिन आप बीच में हैं, लेकिन बहुत ही अनुशासित ढंग से ये अपना खाना खाते हैं आपके बीच में। तो हम आइए और इस पूरे पृथ्वी के प्रत्येक प्राणियों के प्रति अपनी सेवा भाव का इजहार करें, यही हमारी आपसे अपील है। और निश्चित तौर पे हम किसी एक को बचा सकें या हम ऐसा कर सकें तो यह मानवता के प्रति और पूरी विश्व समुदाय के प्रति ये हमारी सेवा होगी। आया था तो मैं तब अक्सर यहाँ मन की तब से मैंने यहाँ शुरुआत किया, क्योंकि उस समय लोग यहाँ निकलते आते नहीं थे, और फिर भूख तो एक ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे में दो बार लगेगी ही। तो फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ है या फिर आपका अन्य ऐसी जगह है जैसे गोमती नदी के किनारे, वहाँ मैंने जाना शुरू किया। ये सुबह का समय जो थोड़ा सा टाइम हम लोग के पास हो जाता है आधा एक घंटे का, तो इस बीच में मैं आता हूँ और इनकी सेवा करता हूँ। इनके बीच में आना अच्छा लगता है और ये भी अब पहचानने लगे हैं, दोस्ती वाला रिश्ता, अब दोस्ती का रिश्ता हो गया।